हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आपकी क्लास प्लस टू है और आज हम आपके सेकेंड जो प्ले है द मेराकल मर्चेंट मर्चेंट उसका थीम करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका अकेला थीम हो जाएगा तो इसमें कैक्टर स्केच वगैरह कवर हो जाएंगे और टाइटल जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आता होता है मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में कि टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं वो भी कवर हो जाएगा द मिराकल मर्चेंट इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हू परफॉर्म द मिराकल टू गेट अ लोन ऑफ ट्वेंटी पाउंडस ये स्टोरी बताता है ही टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन एक जवान लड़के की स्टोरी है जो कि एक मिराकल परफॉर्म करता है जादू टू गेट अ लोन किसके लिए ताकि उसको कुछ लोन मिल सके ट्वेंटी पाउंडस का

अनदर गेस्ट इन द हाउस वॉस जेन मार्टलेट जो दूसरा और दूसरी गेस्ट है उनके घर में रह रही है उसका नाम जेन होता है लुइस वॉन्टेड अ लोन ऑफ ट्वेंटी आंट लुइस अपनी आंट से बीस पाउंड लोन लेना चाहता है ही रिक्वेस्ट फॉर लोन वॉज रिजेक्ट आंट उसको मना कर देती है पैसा देने से व्हेन ही वॉज फीलिंग इज डिसअपॉइंटेड हिज आंट अनाउंस दैट डोरा वॉज ज्वाइनिंग दैम ऑन थर्सडे तो वो जब उसको लगता है कि मैं तो निराश हो जाता है वो जब उसकी आंटी उसको पैसे देने से मना कर देती है तो उसकी आंटी बताती है कि हमारे घर में डोरा है जो वो आ रही है डॉरा आ रही है थर्सडे को लुइस प्रिटेंडेड टू बी शॉक्ड बाय द न्यूज लुईस जो होता है ये खबर सुन के जो है, आ, हैरान हो जाता है मतलब उसको शॉक लगता है ये खबर सुन के He had heard that Jane and Dora were bitter enemies. उस उसने सुना था कि जेन और Dora दोनों बहुत बड़ी दुश्मन है The quarrel started over a hen that Dora had sold to Jane. उनकी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी जब Dora ने जेन से एक जो hen थी मुर्गी थी उधार ली थी which had failed to lay even one egg, जो कि एक भी अंडा नहीं देती थी They exchanged abusive letters. दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही गंदे लेटर सेंड किए थे अ मीटिंग बिटवीन दैम कुड बी वेरी डेंजरस उनकी जो मीटिंग हुई थी वो बहुत ही ज्यादा भयंकर है मिसेस ब्रू विसल वॉज अलार्म बाय द डिवेलपमेंट ब्लू ब्रू को इस बारे में बताया जाता है शी डिड नॉट नो हाउ शी कुड गेट रेड ऑफ जेन बिफोर डोराज अराइवल अब आंट को समझ में नहीं आ रहा कि वो जेन को यहाँ से कैसे भेजे डोरा के आने से पहले लुइस अंडर टूक टू वर्क दैट मराकर इन एक्सचेंज फॉर ट्वेंटी पाउंड्स लुइस कहता है कि ठीक है ये काम आपका मैं कर दूंगा पर इसके बदले में मुझे ट्वेंटी पाउंड्स चाहिए ही वेंट अबाउट हिज वर्क विद कॉन्फिडेंट वो अपना काम करने के लिए निकल पड़ता है पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ही हैड नोटिस दैट जीन्स फूड हैबिट्स वरिंग कॉजिंग अ बिट ऑफ अनाउंस टू स्ट्रगल्स द बटलर उसने नोटिस किया कि जेन की जो फूड हैबिट्स हैं वो मतलब कुछ अलग सी हैं जो उनका मतलब कुक था बटलर था उसके लिए ही डिसाइडेड टू यूज़ ट्रेडिट्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इस प्लान वो सोचते हैं कि मैं अपने कुक को इस बात के लिए यूज़ करूँगा जेन को यहाँ से भगाने के लिए ही बिगेन टू टॉक विद जेन अबाउट द ट्रबल गिवन बाय सर्वेंट्स इन जर्नल तो वो जेन के पास आता है और वो बात करते हैं कि हमारा जो नौकर है उसके बारे में बात करते हैं कि उसने हमें किस तरह से परेशान कर रखा है वो कहता है ही सेट दैट रेगुलर स्टेयर्स लाइक स्टेडियस बिकेम मेंटली डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ़ द डलनेस ऑफ इज डेली रूटीन कहता कि हमारा नौकर जो खाने बनाने वाला है वो ना मतलब मानसिक तौर पे बीमार होता जा रहा है मेंटल पागल होता जा रहा है क्योंकि उसको रूटीन में एक ही काम होता है ही एक्चुअली नो दैट न्यू दैट स्टेडियस सफर्ड फ्राम डेलगियपेसली अबाउट पीपल कहता है कि वो एक्चुअल में लोगों से बहुत ज़्यादा दुखी है ही बिलीव दैट अ गेस्ट नेमिलदा वॉज द प्रोफेंट इजलाज रेफ्यूज टू सर्व हर एनी फूड कहता हमारे घर पे मातिलदा नाम की एक गेस्ट आई थी उसको उसने खाना देने से मना कर दिया था he took Jane to be Queen Anna कहता वो तो तुम्हारे बीच में Queen Anna को देखता है thought that Jane should be dead like Queen Anna who was dead कहता कि Jane को Queen Anna की तरह मर जाना चाहिए जो मर चुकी है he could not understand the idea that he she should be happy and gay कहता मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात से खुश हूँ या हंसूँ या क्या करूँ he might even think of killing her कहता वो तुम्हें मारने की बात सोच रहा है वैन जेन फेल टू बी फ्राइडन बाई दिस इज ही एक्सपेक्टेड लुईस मेड अ प्लान टू मेक सीडियस अपेयरिंग डेंजरस जब लुइस ने सोचा कि ये बात सुन के जेन डर जाएगी पर वो इतना ज़्यादा नहीं डरी तो लुइस ने एक और प्लान बनाया ही टोल्ड सीट टू टेक अप टू मिस जेन अ बास्ट हेटेड वो कहता है कि तुम जेन के कमरे में जाओ और उसके दीवार पर जो एक तलवार लटकी हुई है वो निकाल के लाओ शी वॉन्टेड टू कॉपी आउट द इंस्क्रिप्शन ऑन द हेट ही टोल्ड हिम टू कैरी दस वर्ड विद आउट द शर्ट कहते हैं कि तुम उस तलवार को कवर के बिना उठा के लेके आना कस्टिजे से वैसे ही किया जैसा उसने ऑर्डर दिया ही इज अपीयरेंस विद दस वॉर्ड टेरीफाइंग मिस जैन अब जैन को पता था क्योंकि लुइस ने उसको बताया था कि तुम्हें कुक मारना चाहता है जब वो सामने देखती है कि मेरे सामने आ, कुक खड़ा है तलवार ले कर वो डर जाती है she was convinced that uh, she was convinced that Louis story about the butler was true उसको यकीन हो जाता है कि Louis की story जो सही थी so he डिसीड de decided to leave for London immediately by the next available train तो वो decide करते कि उसको London आज के आज ही चले जाना चाहिए जो भी अगली train उसको मिलने वाली है Louis met his aunt and told her about told her about the success of his plan लुइस अब आंठ के पास जाता है कहता है मैंने जेन को भगा दिया है शी हैड अ लेटर इन हर हैंड उसके हाथ में एक लेटर होता है इट वॉज़ फ्रॉम डोरा जो डोरा से आया होता है इट इज़ दैट डोरा हैज पोस्टपोन हर विजिट फॉर अ मंथ उसमें लिखा होता है कि डोरा एक महीने बाद आएगी इस थर्सडे को नहीं आ रही लुइस वॉज शॉक लुइस हैरान हो जाता है ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर्ड लोन अब उसको वो ट्वेंटी पाउंड नहीं मिलेंगे जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी अनदर थीम इन द प्ले इज़ दैट वुमेन कर्ल ओवर टेरिफल्स इसमें ये भी दिखाया गया कि जो वुमेन होती है वो बिना मतलब थोड़ी सी बात में झगड़ा कर लेती है। है हैं डौरा हैड सोल्ड अ हैंड टू जेन इस डोरा ने जेन को एक मुर्गी बेची थी द हैंड डिड नॉट ले एनी एग वो मुर्गी किसी को अंडा नहीं देती थी सो फ्राम फ्रेंड्स दे बिकम बेटर एनीमी तो वो फ्रेंड से क्या बन गई दुश्मन बन गई दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग एब्यूजिव लेटर दोनों ने गाली भरे लेटर एक दूसरे को भेजे द प्राइस ऑफ द हैंड कुड है हॉस्पिटाइल लेडी और उस जो मुर्गी का प्राइस था पैसे थे वो किसने पे किए थे जो आठ थी ब्रू विस्टल ने पे पे किए थे जो बहुत ही हॉस्पिटाइल लेडी थी तो इस तरह से बेटा ये थीम है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ओके ओके बेटा हैव अ नाइस डे